नीलामी में हो गई इन 10 खिलाड़ियों की बेइज्जती, नहीं मिला कोई खरीदार, हो गए अनसोल्ड। आज इस वीडियो में टॉप 10 अनसोल्ड प्लेयर्स की पूरी लिस्ट आपको बताने वाले और आखिर क्यों इन 10 खिलाड़ियों पर एक रुपया भी नहीं लगा कारण भी बताएंगे। एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आईपीएल की तमाम न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट, स्टोरी हर रोज सबसे पहले लाते हैं। लाइक और शेयर तो आप करते ही, बहुत प्यार दे रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार सब्सक्राइब का बटन भी कर दो, दबा दो और बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। लिस्ट में पहला नाम है इंग्लैंड के जेसन रॉय। 1.5 करोड़ की बेस प्राइस के साथ जेसन रॉय ने नीलामी में अपना नाम दिया था। लेकिन नीलामी से पहले मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपसे बोल दिया था कि जेसन रॉय नहीं बिकेंगे और उसका कारण मैंने बता दिया था। वही रीजन है यार, देखो ये हर साल बिकते हैं, हर साल टीमें बड़ा सोच समझ कर इनको बेस प्राइस पर ही खरीदती है क्योंकि ये हर साल टीमों को धोखा देते हैं। ये हर साल खेलने नहीं आते, आते भी है तो 2-3 मैचेस खेल कर अनफिट होकर बहाना मार कर चले जाते हैं। ये आईपीएल टीमों को जो ठेंगा दिखाएगा टीमें उसको छोड़ेगी नहीं। इस बार जेसन रॉय जो कि बहुत बड़े बल्लेबाज है, विस्फोटक बल्लेबाज है, कभी भी किसी भी मैच को बदल सकते हैं, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, नहीं बिके क्योंकि ये लगातार आईपीएल टीमों को ठेंगा दिखा रहे थे। 1.5 करोड़ में भी किसी ने नहीं खरीदा। दूसरा नाम है इस लिस्ट में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी। यार इनके लिए मुझे लिटरली और दिल से बहुत बुरा लगता है। 1 करोड़ की बेस प्राइस के साथ ये खिलाड़ी नीलामी में गया था। ये बहुत बड़ा T20 प्लेयर रहा है लेकिन आईपीएल में इनकी किस्मत और सितारे हमेशा खराब रहे हैं क्योंकि नीलामी में आते हैं, पहले भी बिकते हैं, बट किसी भी टीम की प्राइमरी प्लेइंग 11 में खेल नहीं पाते जस्ट बिकॉज ऑफ 4 फॉरेन प्लेयर रूल। और इसके चलते होता यह है कि अब इनकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है कि टीमें अब इन पर बोली ही नहीं लगा रही है। इस साल ऐसा ही हुआ, लगभग 37-38 साल के हो चुके मोहम्मद नबी और इस परिस्थिति में टीमों ने इनके अंदर फ्यूचर नहीं देखा अपना। एंड दैट इज वाई पूरे सीजन, पूरे हिस्ट्री इनकी उठाकर देख ले, खराब सितारे इनके रहे, खराब रिकॉर्ड रहा और अब इस बार बिके ही नहीं। तीसरा नाम है इस पूरी सूची में इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन। 2 करोड़ की बेस प्राइस के साथ क्रिस जॉर्डन ने अपना नाम दिया था। पिछले साल जब चेन्नई में खेलते थे ना तो चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ ने इनको रिलीज करने के बाद अभी रिसेंटली एक बयान दिया था जिसमें सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथ ने कह दिया था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्रिस जॉर्डन नहीं चले हैं। और अगर आप पूरा रिकॉर्ड भी उठाकर देखेंगे, पूरी दुनिया की T20 क्रिकेट में चलते जब जब भारत आए हैं इनका प्रदर्शन नहीं आया। भारत की पिचे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप इनको सूट नहीं करता है और आईपीएल तो भारत में हो रहा है ना, तो टीमें क्यों बोली लगाएंगी। 2 करोड़ में भी किसी ने नहीं खरीदा। हाँ अगर ये थोड़े सस्ते मिलते 50 लाख या 1 करोड़ के समथिंग में तो टीमें खरीद भी सकती थी, लेकिन 2 करोड़ रुपए सचमुच बहुत ज्यादा थे क्रिस जॉर्डन के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा नाम इस लिस्ट में है जिमी नीशम। 2 करोड़ की बेस प्राइस के साथ जिमी नीशम ने अपना नाम दिया था। मैंने नीलामी से पहले अनसोल्ड खिलाड़ी की जो प्रेडिक्शंस बताई थी उसमें मैंने नीशम को भी रखा था। रीजन, कारण, नो परफॉर्मेंस। आईपीएल में कई टीमों में खेल चुके हैं, कई टीमों में बिक चुके हैं। सबसे पहले तो आईपीएल के बारे में उल्टा सीधा लिखते हुए भी आए हैं ट्विटर पर। खैर अगर आप उसको साइड भी रख दोगे तो आईपीएल में प्रदर्शन नहीं करते, लिखते बहुत है, बोलते बहुत है, हाथ पैर बल्ला नहीं चलता ना गेंद चलती है और भारतीय उपमहाद्वीप के पीछे इनको भी सूट नहीं करती। 50 लाख में होते तो शायद कोई सी टीम रख लेती बैकअप ऑलराउंडर काइंड ऑफ प्लेयर के रूप में। 2 करोड़ रुपए सचमुच बहुत ज्यादा थे जिमी नीशम के लिए, इसीलिए टीमों ने इंटरेस्ट शो ही नहीं किया। कई टीमें जिनके पास नीलामी खत्म होने के बाद आज भी 12 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ रुपए बचे हुए। पंजाब के पास 12 करोड़ रुपए का पर्स बचा हुआ है अभी भी ऑक्शन खत्म होने के बाद, उसके बावजूद भी उन्होंने 2 करोड़ में नीशम को लेना सही नहीं समझा क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आए थे। आगे बढ़ते हैं, पांचवा नाम है भारत के संदीप शर्मा। मीडियम पेसर की भूमिका निभाते हैं, इंडियन प्लेयर है, 50 लाख में मिल रहे थे फिर भी कोई टीम ने नहीं खरीदा और इसके कई सारे रीजन है। पहला रीजन है इंजरीज, इनका पूरा करियर इंजरी से भरा हुआ रहा है। 1 साल खेलते हैं उसके बाद 1.5 साल इंजर्ड रहते हैं, आधा आईपीएल खेलते हैं आधा आईपीएल इंजर्ड रहते हैं। तो मीडियम पेसर आप हो, आप कोई बहुत तेज गेंदबाज भी नहीं हो कि जब आप इतने ज्यादा चोटिल हो रहे हो, तो फिटनेस इशू है, इंजरी इनके साथ एक बड़ा इशू बन गई। और दूसरी बड़ी चीज इनका परफॉर्मेंस, दोस्तों आप पिछले 4-5 साल का आईपीएल उठाकर देखेंगे आपको संदीप शर्मा गायब दिखे हैं पिक्चर से। तो जो एक जमाने में पर्पल कैप जीतता था इस बार अनसोल्ड हो गया, 50 लाख में भी किसी ने भाव नहीं दिए। मुझे तो पर्सनली लगा था बिक जाएंगे बट 50 लाख होने के बावजूद भी टीमों ने भरोसा नहीं जिताया है, इंडियन प्लेयर होने के बावजूद भी टीमें भरोसा नहीं कर रही, मतलब सचमुच कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। आगे बढ़ते हैं, छठवां नाम है इस पूरी लिस्ट में शेल्डन कॉट्रियल। वेस्टइंडीज के शेल्डन कॉट्रियल 50 लाख की बेस प्राइस के साथ आए थे। आपको बता दूं कि एक जमाने में ये 8.5 करोड़ रुपए में आईपीएल में 3 साल पहले बिक चुके हैं। लेकिन यार टीमें, वही चीज बता रहा हूं ना मैं कि जब आपको एक जमाने में 8.5 करोड़ रुपए शायद पंजाब ने दिए थे मिल चुके हैं, उसके बाद आपने आईपीएल में क्या किया,
कुछ नहीं किया, क्वाट्रियल ने पूरे उसके बाद से आईपीएल में कुछ नहीं किया, टीमों ने लगातार भरोसा कम करती गई। वैसे ही क्वाट्रियल एक विदेशी प्लेयर है और विदेशी प्लेयर की एक खास चीज होती है आईपीएल में आपको रेगुलर प्रदर्शन करना पड़ता है, अदरवाइज विकल्प बहुत ज्यादा होते हैं, पूरी दुनिया में ढेरों विदेशी प्लेयर्स हैं, बहुत जल्दी निकाल दिए जाते हो। क्वाट्रियल के साथ यही हुआ है, जो 8.5 करोड़ रुपए दिए थे ना वो अभी तक भरपाई नहीं हुई है, इसलिए टीमों ने अब 50 लाख में भी लेना सही नहीं समझा। आगे बढ़ते हैं, सातवां नाम है इस पूरी लिस्ट में वेस्टइंडीज के कार्लोस ब्रैथवेट। कार्लोस ब्रैथवेट 75 लाख रुपए में मिल रहे थे साल 2016 में, जिस खिलाड़ी ने अपने देश को वर्ल्ड कप जिताया हो वो 2022 में अनसोल्ड हो जाए, मतलब सचमुच बहुत बड़ी गड़बड़ है। पिछले 4-5 सालों में ब्रैथवेट ने खुद को खत्म किया है, क्योंकि पिछले 4 सालों से अगर आप उठाकर देखेंगे वेस्टइंडीज की क्रिकेट हो, दुनिया भर की डोमेस्टिक क्रिकेट हो, आईपीएल से तो इनको पहले ही आउट कर दिया गया है, 2-3 साल से नहीं खेल रहे हैं, प्रदर्शन नहीं आया, परफॉर्मेंस बेस्ड गेम है भाई ब्रैथवेट, विदेशी खिलाड़ी थे, 75 लाख में भी लेना सही नहीं समझा। और यही मैं बोल रहा हूं ना कि एक जमाने में आप अपने देश को वर्ल्ड कप जिताते हो, एक जमाने में आप वर्ल्ड कप के फाइनल ओवर में 4 छक्के मार देते हो, और आज स्थिति हो जाती है कि नीलामी आईपीएल 75 लाख रुपए में भी कोई नहीं खरीदता। आगे बढ़ते हैं, आठवां नाम इस लिस्ट में, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे लेकिन नीलामी से पहले इस नाम के अराउंड बहुत सारी बस क्रिएट हो गई थी, वो है रोहन कुनुमल। दरअसल रोहन कुनुमल 20 लाख रुपए में मिल रहे थे नीलामी से पहले। कहा गया था कि दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स, इन 4 टीमों ने इन्हें ट्रायल्स में बुलाया है, लेकिन यार ऐसा लग रहा है कि टीमें संतुष्ट नहीं थी रोहन कुनुमल के साथ। संजू सैमसन के बड़े अच्छे दोस्त ऋषभ पंत के साथ अच्छी खासी यारी, कुनुमल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिला सकी। इससे ये चीज भी पता लगती है कि आप कप्तान के कितने ही करीब हो जाओ, प्रदर्शन से ही आपकी एंट्री होगी, डोमेस्टिक क्रिकेट में चले थे लेकिन यार स्टिल कुनुमल को शायद एक और अच्छा सीजन देना पड़ेगा, क्योंकि नारायण जगदीशन जो इतना चले थे 90 लाख में ही बिके हैं, ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनको भी नहीं मिला, उम्मीद थी कि वो 10 करोड़ में बिकेंगे। तो जाहिर है भारतीय खिलाड़ियों पर बहुत कम भरोसा नीलामी में जताया गया, और इसका ही रीजन था कि कुनुमल सिर्फ 20 लाख में ही बिक पाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वें बड़ा नाम इस लिस्ट में है क्रिस लिन। 2 करोड़ की बेस प्राइस के साथ क्रिस लिन आए थे, 50 लाख रुपए तक क्रिस लिन की वैल्यू बहुत सही थी, कोई भी टीम खरीद लेती, क्योंकि ये वो क्रिस लिन नहीं है जो एक जमाने में केकेआर की तरफ से खेला करते थे 4 साल पहले। लगातार फॉर्म गया है, लगातार प्रदर्शन गया, पिछले 4 सालों से इनका प्रदर्शन कहीं भी नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट से बाहर हुए, बिग बैश लीग में प्रदर्शन नहीं किया, तो जो पिछले 3-4 सालों का खराब प्रदर्शन है वो इनको इस मुआयने पे ले आया कि 2 करोड़ रुपए में भी किसी ने खरीदा नहीं। हालांकि हमने कहा था कि कप्तानी का भी विकल्प बनेंगे, क्योंकि बिग बैश लीग में तो कैप्टेंसी भी करते हैं, बट टीमों ने इतना एडमायर नहीं किया क्रिस लिन के बाद। 10वां नाम इस लिस्ट में रीजा एंड 50 लाख रुपए में मिल रहा था, साउथ अफ्रीका का कैप्ड खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में, इस समय साउथ अफ्रीका की मेन स्क्वाड में, उसके बाद भी टीमें नहीं खरीद रही हैं। क्यों नहीं खरीद रही हैं? क्योंकि टीमें चाहती हैं परफॉर्मेंस। रीजा हेंड्रिक्स के खिलाफ कई सारी चीजें चली गई, 2-3 चीजें ये चली गई कि ये एक साल अपने डोमेस्टिक क्रिकेट जो इनके देश में होता है रैम स्लैम T20 लीग, उसमें चले थे शायद 2017 में 2018 में आई थिंक, और उसके बाद से चले ही नहीं। तो ये अपने ही देश के डोमेस्टिक क्रिकेट में जब से फ्लॉप होना शुरू हुए तब से इनका आईपीएल से भी दूरी बन गई। तो ये 10 नाम थे जो कि बड़े नाम है, जिन पर उम्मीदें भी थी बट अनसोल्ड हो गए, कारण भी हमने बता दिए। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपके हिसाब से इनमें से, इन 10 में से क्या कोई ऐसा लगता है आपको जिसे बिक जाना चाहिए था और कितने में, कमेंट बॉक्स नीचे अपनी राय लिख दो। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर आईपीएल फैन के साथ, और सब्सक्राइब कर दो आईपीएल के लिए और बेल आइकन दबाओ।